वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी दीपिका श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग यूनिकॉर्न डिवाइन। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज और काफी ज्यादा बिगनर्स फ्रेंडली होने वाली है, बिकॉज टुडे आई हैव दिस किट फ्रॉम ब्लू हेवन इन जस्ट ₹999, जिसमें आपको सारा मेकअप का प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, सारा सामान मिल जाएगा। सो अगर आप बिगनर हो या आप टीनेजर हो और आपको मेकअप सीखना है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेकअप में, बट आप ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, देन दिस किट इज़ फॉर यू गाइज। बिकॉज इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको ट्राई कर सकते हो, अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो, मेकअप उससे सीख सकते हो, और ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, तो अफोर्डेबल रेंज में आप मेकअप सीख सकते हो। और जब आपको थोड़ा बहुत आ जाए, जब आपको लगे कि नाउ आई नो सब, आप जा करके थोड़े से हाई एंड प्रोडक्ट्स पे, थोड़े से महंगे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज आई नो कि स्टार्टिंग में महंगे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा खलता है, कि लगता है कि मुझे आता नहीं है, और इतने महंगे प्रोडक्ट्स लेकर के फिर उनको यूज़ करो और अच्छे से निकल के रिजल्ट नहीं आता है तो बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। तो वो मुझे पता हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ये किट इन्वॉल्व करना चाहिए बिगनर्स मेकअप किट में, कि आप इसको यूज़ करो और आपको जब समझ में आ जाए कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है और उसका यूज़ क्या होता है, उसके बाद आप थोड़े से महंगे प्रोडक्ट्स पे परचेज थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। सो मैं बताने वाली हूँ कि इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ओवरऑल इसमें पूरे 10 प्रोडक्ट्स हैं, लिपस्टिक दो हैं, तो उसको काउंट करते हैं हम, 9 प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 2 लिपस्टिक्स और एक काजल है और एक मस्कारा है, मिनी मस्कारा, मिनी प्राइमर। आई लव दिस प्राइमर, मैं बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ, आपको वीडियो में भी पता चल जाएगा, और अगर आप पहले मेरी वीडियोस देखते होगे तब भी आपने ये प्राइमर तो देखा ही होगा। उसके बाद ये ब्लश है, उसके बाद ये ब्यूटी ब्लेंडर है जो थोड़ा सा डर्टी हो गया, और ये इसी पैकेजिंग में आया था। और उसके बाद है फाउंडेशन, इसकी भी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी। और उसके बाद ये है मेकअप फिक्सर, और ये है ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट। अब डिब्बा खाली हो गया। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि इस किट में आए थे। सो ये प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं, अगर आप बिगनर हो या टीनेजर हो, कॉलेज गोइंग हो, और आपको मेकअप में इंटरेस्ट आ रहा है धीरे धीरे, और आप चाहते हो कि मैं सीखूं, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, बस आपको इतना ही चाहिए। आई नो यू गाइज आर वंडरिंग कि मैंने ये किट कहाँ से परचेज किया है, तो मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो दैट अगर आपको ये परचेज करना हो तो आप जाके परचेज कर सकते हो। और ये किट वहाँ पर आपको 2 शेड में अवेलेबल मिल जाएगा, उसमें फाउंडेशन का शेड डिफरेंट डिफरेंट है, प्लस आई शेडो भी आई गेस डिफरेंट है, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने शेड के हिसाब से चूज कर सकते हो। प्लस मैंने 2 चीज और परचेज की है इस बारी अमेजोन से, ये डर्मा वाइव का फेस वॉश और न्यूट्रीडर्म का फेस मॉइस्चराइजर। आई लव द कॉम्बो। पहले जब मैं इसको यूज नहीं करती थी, ये मेरा सेकेंड परचेज है, तो पहले जब मैं इसको यूज़ नहीं करती थी तो इतने ज़्यादा एड्स और इतने ज़्यादा रिव्यूज़ देखती थी और इतने ज़्यादा वीडियोस में लोग मेंशन करते थे, तो मुझे लगता था कि यार इतना ज़्यादा हाइप क्यों है, बट ये वर्थ इट है, बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। मैंने अभी तक ये फर्स्ट ही ट्यूब यूज़ करा था, इसका फेस वॉश का भी और फेस मॉइस्चराइजर का भी। अभी ये थोड़ा थोड़ा बचा है, बट मैंने इसको स्टॉक कर लिया है, सो दैट अगर ये ख़त्म होता है, आई गेस 1 वीक में ख़त्म हो जाएगा, तब मैं फिर से इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगी। सो इस किट को यूज़ करके ये वाला मेकअप लुक टर्न आउट हुआ है, काफी अच्छा सा सटल सा मेकअप लुक है, बहुत ज्यादा ब्राइट भी नहीं है और बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं है। आप फेस्टिव में भी ये लुक वेयर कर सकते हो, प्लस वेडिंग सीजन के लिए भी काफी अच्छा वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है ये। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट डाइव इनटू द वीडियो। सो आई ऑलरेडी वॉश्ड माय फेस बाय यूजिंग दिस डर्मा वाइव का फेस क्लींजर, नाउ इट्स टाइम टू मॉइस्चराइज। सो हियर आई हैव दिस न्यूट्रीडर्म का फेस मॉइस्चराइजर, सो आई एम गोना मॉइस्चराइज माय फेस। Now it's time to open this beautiful festive kit, और इसके अंदर जो जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको यूज़ करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि उनका पे ऑफ कैसा रहा और रिव्यू दूंगी, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज प्राइमर, और ये बहुत ही छोटू सा मिनी प्राइमर आया है इस किट के साथ, और इसका मेरे पास ऑलरेडी बड़ा वाला पैकेट था। मुझे ब्लू हेवन का प्राइमर काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ किया हुआ है, इसकी जो ओल्ड पैकेजिंग है वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो आई लव द प्राइमर ऑफ ब्लू हेवन, सो आई एम गोना यूज दिस। If I talk about
अबाउट दिस प्राइमर, तो मैंने इसी प्राइमर को अभी तक यूज किया हुआ है, मतलब बहुत स्टार्टिंग डेज में मेरे मेकअप के, तब से मैं इसको यूज करते आ रही हूँ जब इसका ओल्ड पैकेजिंग था. सो आई लव दिस, बहुत अच्छे तरीके से मैटिफाई कर देता है स्किन को, प्लस जो पोर्स होते हैं मेरे, ज्यादा पोर्स नहीं है तो अच्छी तरीके से फिल भी कर देता है. सो दिस इज द थम्स अप प्रोडक्ट फॉर मी. सो नेक्स्ट स्टेप इज फाउंडेशन. सो हियर आई हैव दिस ब्लू हेवन का हाई कवरेज फाउंडेशन अल्ट्रा मैट. मैंने ब्लू हेवन का फाउंडेशन अभी तक यूज नहीं किया हुआ है, और जो ये फेस्टिव वाला किट है इनका, ये दो किट्स अवेलेबल है, उनमें एक ये हनी वाला शेड था और दूसरे वाले किट में शायद वनीला शेड था. वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाता है मेरे स्किन टाइप के लिए. ये थोड़ा सा ठीक है मेरे स्किन टोन के लिए, बट थोड़ा सा लाइट है, तो इसमें मैं थोड़ा सा डार्क शेड वाला जो फाउंडेशन है या मेरे स्किन टोन वाला जो फाउंडेशन है वो मिक्स करके लगाऊंगी, सो दैट अच्छा फिनिश आए, नहीं तो ये थोड़ा सा वाइट हो जाएगा. थोड़ा सा मैं यहाँ पे लगा के दिखा दूंगी कि ये सिर्फ अलोन कैसा काम करता है. सो लेट्स सी. और अगर इसके पैकेजिंग की बात करें तो आई लव द पैकेजिंग, कि ये ट्यूब्स जैसा है बट ऊपर ऐसा पंप सा दिया हुआ है, सो दैट पंप करके निकालो तो ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं निकलता है. अगर वो वाला पैकेजिंग रहता है तो निकालने पे कभी कभी ज़्यादा निकल जाता है. सो फाउंडेशन लगाने के लिए वी नीड ब्यूटी ब्लेंडर, तो इस किट में ब्यूटी ब्लेंडर भी है. तो ये ऐसी सी पैकेजिंग में आया है कि एक पॉली बैग टाइप का है उसी में, बट अगर इसका डिब्बा होता तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता. एज यू कैन सी कि थोड़ा थोड़ा इधर उधर से दब गया है, ये इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ चुका है. तो ये ऐसा है, इसको मैं वेट करके स्क्वीज करके दिखाती हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर की वो कैसा लगता है. तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट. काफ़ी अच्छे तरीके से ये फ्लफी हो गया है और इसका साइज भी बड़ा हो गया है. सो आई एम लाइक हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इससे, बस एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इधर इधर से ये दब गया है, यहाँ क्रीजेज आ गई ब्यूटी ब्लेंडर पे, बिकॉज इसकी पैकेजिंग बहुत ही ढीली ढाली सी थी. सो इसको देखेंगे, टेस्ट करेंगे. तो आई एम गोना अप्लाई दिस फाउंडेशन. ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट ही है, सो आई एम गोना मिक्स दिस विथ माई थोड़ा सा डार्कर वाला शेड वाला फाउंडेशन. बट इसको मैं एज इट इज़ थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट करूँगी, सो दैट इसका फॉर्मूला पता चल जाए, इसका लाइक ये कैसा वर्क करता है फेस पे वो पता चल जाए, उसके बाद मैं मिक्स करके लगाऊंगी फेस पे. तो गाइस दिस इज द आफ्टर रिजल्ट. काफी अच्छी तरीके से इसने कवरेज दिया है, बहुत ज्यादा कवरेज नहीं दिया है, बट हाँ इसमें फुल कवरेज लिखा है, बट ये फुल कवरेज नहीं है. बट अच्छी तरीके से लाइक डेली लाइफ में या छोटे मोटे फंक्शन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो. ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा मैच करने लगा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा मतलब चेंज होता है. एज यू कैन सी कि हाथ पे ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, बट फेस पे लगने पे ये अलग लग रहा है. बट मैं थोड़ा सा इस फाउंडेशन मिक्स करूंगी सो दैट और भी अच्छा फिनिश है. तो मैं अपने फेस पे ये फाउंडेशन लगाने के बाद आप लोग को मिलती हूँ. गाइज दिस इज द फाउंडेशन रिजल्ट, मतलब आफ्टर फाउंडेशन रिजल्ट. काफी अच्छी तरीके से स्किन में ब्लेंड हो गया और काफी अच्छी तरीके से फिनिश दे रहा है, ऐसा नहीं अलग से पता चले. हाँ अगर मेरे स्किन टोन का होता फाउंडेशन तो और भी ज्यादा मजा आता. और अगर इस ब्यूटी ब्लेंडर की बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, एकदम हार्श नहीं लग रहा, बहुत ही सॉफ्ट है. बस थोड़ा सा ये है कि इसमें ज्यादा प्रोडक्ट ये सोक कर रहा है. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द कंसीलर. बट एक ये ड्रॉबैक है कि इस किट में कोई भी कंसीलर नहीं आया और ना ही कोई कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर आया हुआ है, प्लस इसमें ब्राउ किट भी नहीं है, ना ही ब्राउ पेंसिल है. सो आई एम गोना अप्लाई माई प्रोडक्ट्स जो कि मैं रेगुलर बेस पे यूज करती हूँ. तो मैं कंसीलर और उसको पैक करने का पाउडर और आईब्रो का पेंसिल ये सब ले करके उसको यूज करके उसके बाद आप लोग को मिलती हूँ. सो फार दिस इज द बेस मेकअप लुक लाइक, प्लस मैंने आईब्रो भी कर लिया है ऑलरेडी पहले से ही. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द आई मेकअप, जिसके लिए वी हैव दिस ब्लू हेवन का आई पॉप आई शेडो पैलेट. बहुत ही छोटू सा है मिनी पैलेट. अब इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर कैसा सा पैलेट है. तो ये ऐसा है, प्लस ये साइड से खुलेगा. तो दिस इज द पैलेट लुक लाइक. इसमें ये चार शेडो अवेलेबल हैं, प्लस ये छोटा सा अनवांटेड वाला जो ब्रश होता है वो भी अवेलेबल है. ये मुझे नहीं पता कि कैसे यूज होता है, बट मैं आज इसको यूज करके देखूंगी. तो इसमें ये चार शेडो अवेलेबल है. जो नॉर्मल आई शेडो पैलेट होते हैं उनमें शेडो का जो साइज होता है वो इससे बहुत ही छोटा होता है, बट इसमें प्रॉपर बड़ा बड़ा दिया हुआ है. बट इसका शेड मुझे थोड़ा सा मतलब या तो एकदम ब्राइट रखना चाहिए था या तो फिर न्यूट्रल रखना चाहिए था.
बट मैं इसे वर्क कर सकती हूँ. लेट्स सी कि हम इससे क्या आई लुक क्रिएट करते हैं. सो आई एम गोना टेक दिस फ्लफी ब्रश और ये जो बीच वाला शेड है सेकेंड शेड, मैं इसको एज अ बेस शेड अप्लाई करने वाली हूँ. तो ट्रांजिशन शेड लगने के बाद ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट ठीक है. सो नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस ब्राउन शेड आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए. और एक और चीज़ कि इसमें थोड़ा सा डस्ट ऑफ ज़्यादा हो रहा है कि बहुत चौकी, इसके जितने भी शेड्स हैं ये थोड़े से चौकी शेड्स हैं. सो फिलहाल ये ब्राउन वाला शेड हम आउटर कॉर्नर पे लगाएंगे. ऑल्दो पिगमेंटेशन इज ऑन द टॉप, एज यू कैन सी बहुत ही अच्छे तरीके से ये इसका मतलब विजिबल हो रहे हैं कलर्स, पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है. ये ब्राउन वाला शेड आउटर कॉर्नर पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो आई एम गोना अप्लाई दिस, ये थोड़ा सा क्रीमिश शेड है और ये जो इसके साथ वाला ब्रश मिला था उसके साथ ही मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर के साथ मतलब कुछ करने वाली हूँ कि देखते हैं कैसा टर्न आउट होता है. गाइस इस वाले शेड से तो उतनी ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, बट ये ब्रश तो और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया, तो ये तो बिल्कुल भी काम नहीं आया एज ऑलवेज. सो आई एम गोना यूज़ दिस फ्लैट ब्रश, उसकी हेल्प से हम इसको अप्लाई करेंगे. बहुत ही ज़्यादा चौकी है ये वाला शेड, एज यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा ही डस्ट ऑफ हो रहा है, बट कोई नहीं, लगा के देखते हैं इनर कॉर्नर पर कि इसका कैसा इफेक्ट आता है. दिस इज़ द आई शेडो लुक टर्न आउट. ये जो फर्स्ट वाला शेड है ये बहुत बेकार शेड है, बहुत ज़्यादा चौकी है. सो मैं हाईलाइटर के लिए इसको पहले यूज़ करने का सोच रही थी, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको यूज़ करूँगी कि नहीं, बेस खराब ना कर दे. तो ये आई शेडो लुक हो चुका है. आई लुक कम्प्लीट करने के लिए काजल, आई लाइनर और मस्कारा चाहिए होता है. सो हियर वी हैव दिस काजल, 24 आवर्स स्टे जेट ब्लैक काजल. ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी है ये वाला. सो आई एम गोना अप्लाई दिस और ये काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है, प्लस ब्लेंड भी हो जाता है, काफ़ी अच्छा इसका फॉर्मूला है. नेक्स्ट अप वी हैव दिस मिनी मस्कारा. तो मेरे पास इसका मस्कारा भी ऑलरेडी था पहले से, मेरे पास ये पैकेज आया हुआ था ऑलरेडी, ब्लू हेवन ने भेजा था तो वो ऑलरेडी मेरे पास था, उसी में ये पैकेज में था ये बड़ा वाला, और ये हमारे पास मिनी मस्कारा है. सो आई एम गोना यूज़ दिस, या मैं इसको खोल के यूज़ करूँ. आई एम कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू, क्योंकि हो सकता है इसका फॉर्मूला अलग हो, बट दोनों सेम ही है. नहीं, ये है लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्कारा और ये है वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा. तो आई एम गोना यूज़ दिस. हाँ, और अगर आई लाइनर की बात करें तो आई लाइनर इस पैकेट में इन्वॉल्व नहीं है, सो हम आई लाइनर नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज इसमें इन्वॉल्व नहीं है. सो नाउ इट्स टाइम टू यूज़ काजल. मैं इसको अंदर यहाँ पे नीचे साइड में ही, वाटर लाइन साइड में ही लगाऊंगी और उसको हल्का से स्मज आउट करूंगी सो दैट एक अलग सा इफेक्ट आए, और उसके बाद हम मस्कारा लगाएंगे. और अगर मस्कारा अच्छे से वर्क कर जाता है तो काफ़ी अच्छा लुक टर्न आउट होगा. सो नाउ इट्स टाइम टू यूज दिस मिनी मस्कारा. और इसको लगाने से पहले मैं अपने लैशेस को कर्ल कर लेती हूँ सो दैट इसका थोड़ा सा और भी अच्छा इफेक्ट आए विद दिस आई कलर, आई लैश कलर. सो इफ यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मस्कारा, सो आई एम नॉट दैट मच हैप्पी. इसका जो फॉर्मूला है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी है, इवन लगाते टाइम भी जब मैंने इसे अपने पलके झपकाई तो उससे हल्का सा इधर उधर छटक गया था, तो ये लग भी जाता है. प्लस इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया मेरे लैशेस के लिए, अगर आप दूर से देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा और अगर पास से देखोगे तो हल्का फुल्का पता चलेगा, बट बिल्कुल भी वॉल्यूम तो नहीं दिया, प्लस लेंथनिंग भी नहीं किया. तो आई डोंट लाइक दिस मस्कारा. ऑल्दो जो ये वाला मस्कारा है ये बहुत ही हल्का फुल्का सा कवरेज टाइप देता है, मतलब थोड़ा सा पता चलता है, विजिबल होता है, बट ये भी उतना ज़्यादा विजिबल नहीं देता है. ये लैश ट्विस्टेड है बट ये भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है. सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई ब्लश. तो अगर ये ब्लश इसमें नहीं भी दिया होता तो मैं इसका जो ये वाला शेड है इसको मैं थोड़ा सा शिमरी ब्रॉन्जर की तरह यहाँ पे अप्लाई कर सकती थी, बट कुछ और प्रोडक्ट्स डाल सकते थे, लाइक आई लाइनर डालना चाहिए था क्योंकि मस्कारा ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है तो आई लाइनर संभाल लेता, बट ओवरऑल थोड़ा ठीक लग रहा है. सो वी आर गोना यूज़ दिस
शिमर वाला ब्लश, और इसकी जो पैकेजिंग है ये भी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई है अंदर से, एज यू कैन सी। अभी तो मैंने इसको थोड़ा सा वाइप कर दिया था, नहीं तो यहाँ यहाँ थोड़ा सा फैला हुआ था। प्लस ये थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड में है, तो आई डोंट नो कि इसका इफेक्ट कैसा आएगा, मतलब लगाने पर ज़्यादा विजिबल होगा कि नहीं, या बहुत ज़्यादा तो नहीं विजिबल हो जाएगा, तो वो लगाने के बाद पता चलेगा। सो लेट्स अप्लाई दिस। आई क्वाइट लाइक दिस प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा इसका पिगमेंटेशन है। मतलब मैंने बहुत ही हल्के से इस ब्रश को इस पर टच किया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर दूँ उसके बाद लगाऊँ, तो लगाने पे काफ़ी अच्छा सा फिनिश आ रहा है। ऑल्दो मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा ऑरेंजिश लगेगा। सो अगर आप फेस्टिव सीजन में या वेडिंग सीजन में कोई भी ब्लश ढूंढ रहे हो अफोर्डेबल, सो यू कैन गो फॉर दिस, काफ़ी अच्छा बजट फ्रेंडली ब्लश है। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई लिपस्टिक। सो वी हैव टू ऑप्शन, एक ये है थोड़ा सा ब्राउनिश, थोड़ा सा ही ज़्यादा ब्राउनिश शेड की तरफ, और ये थोड़ा सा डार्क पिंकिश काइंड ऑफ शेड है। सो लेट्स सी कि इसका स्वॉच कैसे होता है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इस आउटफिट में और इस मेकअप के साथ कौन सी लिपस्टिक लगानी है। तो अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लाइक ये ऊपर साइड से ये बुलेट लिपस्टिक्स लग रही हैं, बट ये लिक्विड लिपस्टिक है, सो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। सो अब इसका स्वॉच देख लेते हैं कि कैसा आता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लिपस्टिक लुक लाइक। ज़्यादा ये ब्राउनिश भी नहीं है, लाइक थोड़ा सा ब्राउन और पर्पल कलर का मिक्सअप है, तो काफ़ी अच्छा न्यू शेड है मेरे लिए। इस टाइप का मैंने शेड पहले नहीं लगाया हुआ था। सो नाउ इट्स टाइम फॉर दिस लिपस्टिक का स्वॉच। ये थोड़ा सा पिंकिश काइंड ऑफ, डार्क पिंकिश काइंड ऑफ कलर, पर्पल कह सकते हो आप। इस टाइप की लिपस्टिक है इस कलर में मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही। सो दिस इज द कलर लिपस्टिक लुक लाइक। ये वाला जो पिंक शेड है, डार्क पर्पल पिंक काइंड ऑफ शेड, ये ज़्यादा सूट करेगा इस लुक के साथ। अगर ये थोड़ा सा न्यूट्रल शेड में होता या न्यूड में होता तब ये मैं लगा सकती थी, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। अगर इसके शेड नंबर की बात करें तो ये शेड नंबर 9 है और ये शेड नंबर 8 है। सो आई एम गोना अप्लाई दिस, उसके बाद देखेंगे ओवरऑल लुक कैसा लगता है। सो दिस इज द फाइनल लुक। अभी भी एक स्टेप बचा हुआ है जो कि इस किट के साथ आया हुआ था, विच इज दिस ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर। सो लेट्स यूज दिस मेकअप फिक्सर। मैंने इसके बारे में काफ़ी रिव्यूज पढ़े हुए हैं और काफ़ी वीडियोज में भी देखा हुआ है कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है, बट इससे पहले मैंने इसको यूज नहीं किया था। सो दिस इज न्यू फॉर मी। इसकी जो पैकेजिंग है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लाइक थोड़ा सा लाइक डिस्को वाला लुक दे रहा है ये। ये ड्यूई लुक के लिए, ग्लो के लिए, तो ये मैटिफाइंग नहीं करेगा, थोड़ा सा ग्लोई सा लुक देगा। सो आई एम गोना अप्लाई दिस। तो दिस इज़ द फाइनल लुक लुक लाइक, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अगर इस मेकअप फिक्सर की बात करें तो काफ़ी अच्छे से इसने वर्क किया, बट ये कि सूखने में थोड़ा सा, ड्राई होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मतलब लगाने के बाद थोड़ा सा 2 मिनट तक या 1.5 मिनट तक के लिए बैठना पड़ रहा है, उसके बाद ही सूख रहा है। नहीं तो इससे पहले मैं यूज़ करती थी कौन सा स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ मैं अभी भी, तो वो जो है लगाने के बाद तुरंत ही थोड़ा सा मतलब सूख जाता है और काफ़ी अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। ओवरऑल आई लाइक दिस लुक, काफ़ी अच्छे से टर्न आउट हुआ है। लाइक आई मेकअप भी काफ़ी अच्छा सटल सा लग रहा है, लिपस्टिक का भी कलर काफ़ी अच्छा सा निकल के आया है। कुछ प्रोडक्ट्स इस किट में ऐसे आए जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लाइक दिस मस्कारा। मतलब ये कुछ काम ही नहीं किया, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। प्लस अगर मुझे ख़रीदना हो आई शेडो पैलेट, तो मैं ये बिल्कुल भी ना ख़रीदूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौकी है। सो ओवरऑल मेकअप किट की अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छा मेकअप किट है बिगनर्स के लिए, और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इसमें आपको जितने भी प्रोडक्ट्स नीडेड होते हैं वो सारे आपको इस किट में मिल जाएंगे। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।